हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाराणसी यूट्यूबर मीनू फ्रेंड्स। तो ये इवनिंग से मैं ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। फ्राइडे 13 मार्च है और बस ये लोग स्कूल से सुबह एग्ज़ाम हो रहा है तो 10 बजे ही आ जाती हैं, तो दिन भर इन लोगों का ये खिलौना सारा फैला रहता है। तो जब शाम होता है तो मुझे इन लोगों को चिल्लाना पड़ता है, कहना पड़ता है कि पूरे खिलौने रखो रखो, तो ये लोग जल्दी रखती नहीं हैं। तो बस वही मैं कह रही थी कि अब शाम हो गया है, अब मैं जा रही हूँ चाय वाय बनाने, तो आप लोग पूरा खिलौना रख दो। तो इन लोगों को फैला तो लेती हैं लेकिन खिलौना रखने के लिए बहुत चिल्लाना पड़ता है, बहुत दिखाना पड़ता है कि खिलौना सारा रख दो, खिलौना रख दो। और ये देखिए मेरी छोटी वाली बेटी क्या कर रही है, पूरा मस्ती करती ही रहती हैं इन लोग दिन भर। फिर उसके बाद इन लोगों को खिलौना रखवाने के बाद छत से, वैसे तो मौसम अच्छा नहीं था तो कपड़े तो छत पे डाली नहीं थी, फिर उसके बाद आ जाती हूँ मैं किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि जहाँ शाम होता है तो मुझे सबसे पहले चाय पीने का मन करता है। तो मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी थी, तो उसके बाद इन लोगों को बोला था कि खिलौना रखो। तो चाय देखिए पक गया है, पक रहा है, और थोड़ा सा मैंने चिप्स निकाले हैं क्योंकि इस समय होली का टाइम है तो सभी के घर में ही चिप्स होंगे, तो मेरे घर में भी है चिप्स, तो वही मैं निकाल लेती हूँ और इन लोगों के लिए दूध निकाल लेती हूँ और अपने लिए चाय। और दूध में मैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चाय डाल के दूंगी इन लोगों को, इन लोगों को थोड़ा सा कलर आना चाहिए क्योंकि जब मैं चाय पीती हूँ तो इन लोगों को भी चाहिए ज़रूर। तो मैं बस दूध ले लेती हूँ और बस उसमें थोड़ा थोड़ा चाय डाल के इन लोगों को दे देती हूँ। चिप्स निकाल लिया है और चलेंगे चाय पीने के लिए। और आज मैं आप लोगों के साथ शाम का जो डिनर है मैं जो बनाऊंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले चाय पी लेते हैं और चाय पीने के बाद तब उसके बाद मैं डिनर की तैयारी करूंगी। तो चाय मैं अपने लिए, बच्चों के लिए, दूध बच्चों के लिए और चाय अपने लिए लूंगी, और हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, जब आएंगे तो उनको चाय दूंगी। तो चलो पहले हम लोग चाय पी लेते हैं, आप लोग भी पी लो। तो फ्रेंड्स बस ये चाय वाय पीने के बाद डिनर का टाइम हो गया है। तो वैसे मैं सब्ज़ी में जा रही थी कुछ और बनाने के लिए, लेकिन हस्बैंड ड्यूटी से आए तो मैंने फिर उन्हें भेज दिया पनीर लाने के लिए। पनीर मन कर रहा था खाने का तो ये भी गए लाने के लिए। वैसे मौसम तो थोड़ा ख़राब था लेकिन फिर भी मैंने भेज दिया। तो बस ये पनीर बनाने के लिए मैंने गरम मसाला वसाला सब निकाल लिया है, पनीर फ्राई करूँगी। और इसके पहले मैंने इसी पैन में प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्चा उसको जैसे हल्का सा फ्राई कर लिया था तो उसे मैं पीसूँगी मिक्सर में। मिक्सर में पीस के उसको अच्छा सा पेस्ट तैयार करूँगी। तो पनीर को डाल देती हूँ पनीर को फ्राई होने के लिए। पनीर मैंने बड़े बड़े साइज़ में ही कट किया है और बच्चों को भी इसी तरह दे देती हूँ पनीर सूखे। सब्ज़ी में वैसे इन लोग खाती नहीं है तो ऐसे ही मैं थोड़ा सा हल्का सा काला नमक जीरा डाल के दे देती हूँ तो ये लोग खा लेती हैं। तो चलो मैं अपना पनीर फ्राई कर लेती हूँ, फिर इसके बाद जो अदरक लहसुन मिर्चा मैंने तला हुआ है उसको मिक्सर में पीस लेती हूँ। पनीर मेरा फ्रेंड्स फ्राई हो गया था, पनीर को मैंने निकाल लिया था। फिर उसके बाद जो अदरक लहसुन मिर्चा का मैंने तल के फ्राई किया था उसका पेस्ट मैंने मिक्सर में पीस लिया, तैयार कर लिया, उसको डाल दिया था। और बस मैं उसमें बीच में सूट नहीं कर पाई थी क्योंकि लाइट कट गई थी, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा नहीं पाई। तो मिक्सर में मैंने जो पेस्ट तैयार किया था अदरक लहसुन मिर्चा का, खड़े मसाले डाल देती हूँ, फिर अदरक लहसुन मिर्चा का पेस्ट डाल देती हूँ, मटर डाल देती हूँ, तो मटर हल्का सा फ्राई हो गया था। फिर इसके बाद जो पनीर मैंने तला हुआ था उसको डाल दूँगी। बस सब्ज़ी इसी तरह अच्छा सा बना था और बहुत ही अच्छा बना था सब्ज़ी। तो बस इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, फिर इसमें पानी ऐड कर देंगे जितना हमको पानी चाहिए उस हिसाब से। तो बस पानी ऐड कर दूंगी और अच्छे से इसको पका लूंगी। तो मिक्सर में जो लगा हुआ है बैटर उससे मैं पानी डाल दूंगी निकाल के, ताकि बैटर भी अच्छे से चला जाए उसमें। तो बस इसको डाल देती हूँ और मुझे ग्रेवी जितना रखना है मैं उतना रखूँगी और इसको अच्छे से पकने दूँगी।
सब्जी मेरा पक गया है तो मैंने उसे बर्तन में निकाल लिया है छोटे से भोंगने में। तो देखिए सब्जी कितना अच्छा लग रहा है देखने में और अच्छा भी बना था। उसके बाद मैं रोटी बना लूँगी। रोटी वोटी बनाने के बाद फ्रेंड्स इतना जो बर्तन सो निकला था मैंने धो दिया खाने जाने से पहले। जो बर्तन है पहले इतना धो लेते हैं फिर खाना खाने के बाद जो थोड़ा बहुत बर्तन निकलता है तो उसको भी धो लेती हूँ। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना। और मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।